अब हम सामाजिक विज्ञान के जो 933 मॉडल नंबर था सी सेट का, तो सी सेट को हम लोग आगे देख लेते हैं। तो उत्तर क्रमांक 6 से हमें देखना था, तो उत्तर क्रमांक 6 को यहाँ पे देख लो। तो उत्तर क्रमांक 6 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 7, तो 7 में भी आपको दिखाई दे रहा है, 7 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 8 में आते हैं, तो उत्तर क्रमांक 8 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो ये देखो उत्तर क्रमांक 8 का आंसर है। इसके बाद हम उत्तर क्रमांक 9 में जाते हैं, तो उत्तर क्रमांक 9 का आंसर में आपको ये वाला आंसर लिखना है। देख सकते हो ये 2 नंबर का है, लेकिन देखने में लंबा दिखाई दे रहा है प्रश्न, तो ये वाला आंसर इसका। ठीक है, ये वाला आंसर इसका आंसर होगा। तो ये उत्तर क्रमांक 9 का है। इसके बाद आगे देखेंगे 10 से, तो 10 उत्तर क्रमांक 10 से हमें देखना है। तो देखो 10 से ये रहा इसका आंसर, तो ये वाला आपको 10 में लिखना है। ये रहा उत्तर क्रमांक 10। फिर उत्तर क्रमांक 11 देखते हैं, तो उत्तर क्रमांक 11 में आपको ये वाला प्रश्न का आंसर लिखना है। तो ये है उत्तर क्रमांक 11। ये रहा उत्तर क्रमांक 11 में आपको इस आंसर को लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 12 देख लेते हैं, फिर ये रहा उत्तर क्रमांक 12। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, उत्तर क्रमांक 11 में देखो यहाँ पे मैंने अथवा लिखा है, ठीक है? तो ये जो आंसर है ये अथवा का है, ठीक? तो आप वहाँ पे लिख लेना अथवा डाल देना, सेम ऐसे ही आपको लिखना है। आपके जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको इसी तरह से सेम लिखते जाना है, ठीक है? अथवा है तो आपको अथवा लिखना है। उसके बाद 12वां देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक जो 12वां है उसका आंसर आपको ये वाला लिखना है, ठीक है? तो ये प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर लिखना है। फिर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आपको ये वाला लिखना है। ये यहाँ तक हो गया प्रश्न क्रमांक 13, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, और ये रहा पूरा, ठीक है? तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 में आपको ये वाला पूरा आंसर लिखते जाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 को आगे देखेंगे। यहाँ से हम लोग प्रश्न क्रमांक 14 को देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 14 जो है इसका आंसर देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पे आते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 15 में देखो ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है, तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको इसी आंसर को लिखना है। और हाँ, प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है। इसके बाद देखो ये प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है, तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 16 में इसी उत्तर को लिखना है, ठीक है? तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का है, लोकतंत्र शासन और गैर लोकतंत्र शासन में अंतर है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 को देख लो, तो इसका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये है, जिसमें सदाबहार वन और पतझड़ वन में आपको अंतर बताना है, तो ये प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। फिर उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 18 है, तो प्रश्न क्रमांक 18 में चुनाव में खड़े होने के लिए, ठीक है, जो पात्रता होता है उसके बारे में प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया, तो इसका उत्तर ये रहा। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में देखो, 19 का हम यहाँ पे देखो 19 के बाद अथवा लिखा हुआ है, तो आपको जब प्रश्न उत्तर क्रमांक लिखोगे तो 19 के बाद आप अथवा डालना, ठीक है, और उसका आंसर आपको ये लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 20 को देख लो, तो उत्तर क्रमांक 20 में देखो, उत्तर क्रमांक 20 जो है मानव पूंजी का अर्थ, मानव पूंजी के बारे में बताना है, तो इसके कितने प्रकार है उसके बारे में लिखना है पूरा डिटेल, तो ये इसका उत्तर है। फिर उत्तर क्रमांक 21 देख लेते हैं, देखो उत्तर क्रमांक 21 में हम अथवा बना रहे हैं, तो उत्तर क्रमांक 21 में अथवा लिखे हैं, तो आपको अथवा डाल लेना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला आंसर आपको लिखना है उसमें। फिर उत्तर क्रमांक 22 जो है, उत्तर क्रमांक 22 का आंसर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उत्तर क्रमांक 22 को नहीं ला पाया हूँ। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 23 को, तो उत्तर क्रमांक 23 जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में देखो चर-चर अंतर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर क्रमांक 24 को, तो उत्तर क्रमांक जो प्रश्न 24 है उसका उत्तर है, तो प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर में आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक?
उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर ये वाला है, जो उत्तर क्रमांक 25 है इसमें आपको ये पूरा पूरा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 टॉपिक है, इन 5ों टॉपिकों को उसमें लिखना है। फिर अंतिम प्रश्न है उत्तर क्रमांक 26, उत्तर क्रमांक 26 में आपको ये वाला आंसर।